हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल तैयारी। आज है 25 फरवरी 2020। 25 फरवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम इस वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर नीति कुमार को, यानी ए ऑप्शन। अब ये टर्म क्या है, ACRB? इसका फुल फॉर्म साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। क्या होता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अब ये डॉक्टर नीति कुमार को महिला उत्कृष्ट पुरस्कार किस लिए दिया गया है? आणविक पैरासिटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में इन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए इन्हें सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में 34वें कांस ओपन चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? ये बने हैं डी गुकेश, यानी बी ऑप्शन। डी गुकेश हरतून बर्गेसेन को हराकर इन्होंने ये चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। ये अभी 13 साल के हैं। पिछले साल ये दुनिया के सबसे छोटे उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिशा अधिनियम की स्थापना की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने, यानी डी ऑप्शन। दिशा अधिनियम के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में तेजी ट्रैक करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, अब इसे महाराष्ट्र ने लागू किया है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थापित है? तो ये है गुजरात में, यानी डी ऑप्शन। ये मोटेरा स्टेडियम हाल में काफी चर्चा में है। इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 1,10,000 लोग इसमें आ सकते हैं। इसका उद्घाटन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में B2B स्टार्टअप के उद्देश्य 100x100x100 कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी ए ऑप्शन। इसमें 100 कंपनी और 100 स्टार्टअप को एक लाइन पे लाएगी और इस कार्यक्रम के तहत उन्हें मदद दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए किस राज्य के स्कूलों में विशेष POCSO की स्थापना होगी? तो ये होगी बिहार में, यानी सी ऑप्शन। अब ये क्या है POCSO? PSCSO का फुल फॉर्म होता है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। क्या होता है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। यह स्थापना कहाँ के स्कूलों में होगी? तो बिहार के स्कूलों में होगी। तो चलिए जानते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो ये बना है भारत, यानी बी ऑप्शन। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत बना है। पहले चीन था, अब भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्रम्प भारत का दौरा करने वाले कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरा करने वाले 6ठे राष्ट्रपति बन गए, यानी डी ऑप्शन। भारत में पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले कौन थे? तो ये थे डवाई डी आइज नहवार। कौन थे? डवाई डी आइज नहवार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू की खपत के लिए कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 21 साल, यानी ए ऑप्शन। किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में NTPC ने सोलर पार्क बनाने के लिए कितने रुपए से निवेश करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 3500 करोड़, यानी सी ऑप्शन। किसने की है? तो NTPC ने की है। तो चलिए जानते हैं NTPC के बारे में। तो NTPC की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। यह था आज का कोर्स। दोस्तों हम जल्दी ही SSC CGL के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों हम जल्दी ही SSC CGL के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो लाने वाले हैं।
उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सीजीएल की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो ये था आज का क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।